हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूछे। फ्रेंड्स, 25 जुलाई रु श्रावण मास आरंभ होई सारिलानी। श्रावण मास भगवान भोलेनाथंकर अत्यंत प्रिय। श्रावण मास भगवान शिवंकु समर्पण करा जायछि। जेबे वैष्णवी एकादशी रे श्रीहरि विष्णु जोग निद्रा रे चले जांती तो एही ब्रह्मांडर संचालन भगवान शिव करंती। एथिपाई श्रावण मासरे भगवान भोलानाथंकर विशेष रूपरे पूजा करा जाय थाय। मान्यता अनुसारे श्रावण मासरे भोलानाथंकर पूजा करिबा द्वारा भोलानाथ निजर भक्तंकर सब मनोकामना को पूरण करंती। मान्यता अछि कि श्रावण मासरे भगवान शिव माँ पार्वतीक सह पृथ्वी भ्रमण करंती एवं निजर भक्तंकु आशीर्वाद प्रदान करंती। मान्यता अनुसारे पूरा वर्ष सारा भोलेनाथंकर पूजा करिबा द्वारा भोलेनाथ एते प्रसन्न हुअंती कि जेतिके केवल श्रावण मासरे पूजा करिबा द्वारा होई जांती ताहा वर्ष सारा करिबा द्वारा मध्य होई नथांती। मान्यता अनुसारे अन्य मास तुलनारे श्रावण मासरे पूजा करिबा द्वारा हजारे गुण पुण्य प्राप्ति होइथाय। एही मास भगवान शिवंकर कृपा प्राप्त करिबा पई अति शुभ माना जाय। मान्यता अनुसारे एही मासरे टिके प्रयासरे ही टिके पूजारे ही एक ढाळ जल स्वच्छ मनरे चढ़ेबा मात्रे ही भोलानाथंकर असीम कृपा प्राप्त होइथाय एवं भोलानाथ बड़रु बड़ समस्या को दूर करि दियंती। एही मासरे भोलानाथंकु प्रसन्न करिबा पई किछि भक्त अलग अलग पूजा करंती। किछि भक्त श्रावण मास बा सोमवार व्रत करंती एवं किछि भक्त भोलेनाथंकर अभिषेक करिथांती। आउ किछि भक्त शिवरात्रर व्रत करंती जेउथिरे भोलेनाथंकर तांको उपरे कृपा प्राप्त होई पारिबो। जेमिति कि आमे समस्ते जानिथांती भोलेनाथ भोला भंडारी से निजर भक्तंको उपरे बहुत शीघ्र कृपा करंती। किंतु कोन आपण जानिछंती जदि भोलेनाथंकर पूजा रे किछि भूल हो जाए तो भोलेनाथ सेते शीघ्र क्रोधित मध्य होई जानती। आमर शास्त्र रे किछि एपरि जिनिस विषय रे कुहा जाई छी जहाँ भोलेनाथंकर पूजा रे भूल रे मध्य व्यवहार करिबा उचित नुहे। तो आसंतु जानिबा केउ जिनिस जहाँ भोलेनाथंकर पूजा रे व्यवहार करिबा उचित नुहे। एमिति केउ जिनिस जहाँ भूल रे मध्य भोलेनाथंकु अर्पण करिबा उचित नुहे, नचेत भोलेनाथ क्रोधित होई जांती एवं व्रत और पूजार फल प्राप्त होई नथाय। फ्रेंड्स, भोलेनाथंक कृपा प्राप्त करिबा पई वीडियोटी को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु एवं ता सहित कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ निश्चय लिखंतु। सर्वप्रथम जिनिस हैला बेलपत्र। हाँ फ्रेंड्स, बेलपत्र जेपरिक आम समस्त जानते बेलपत्र तो भोलेनाथ को अवश्य अर्पण करने उचित। बेलपत्र भोलेनाथ को अधिक प्रिय किंतु कौन आपड़ जानते कि विभिन्न प्रकार बेलपत्र भोलेनाथ को पसंद नुह। जदि आप भूल कि भूल प्रकार बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पण करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होगा बदल आपण क्रोधित हो जाती। एथिपाई बेलपत्र को भोलेनाथ को चढ़ेबा समय रे किछि कथार विशेष ध्यान रखंतु। सर्वप्रथम कथा एहा कि बेलपत्र पत्र केउठी भी चिरी नथिबा उचित। जदि बेलपत्र पत्र फाटी जाइछि माने चिरी जाइछि किबा बेलपत्र हळदिया रंग होई जाइछि तो आपण एपरि बेलपत्र को भूल रे मध्य भोलेनाथ को अर्पण करिबा उचित नहि। द्वितीय कथा, सबुबेले बेलपत्र भोलेनाथ को गोटे डाल रे तीनोटी बेलपत्र थिबा पत्र को चढ़ा जाय थाय। केते थर देखा जाए कि बेलपत्र तीनोटी जोड़ी होइथिबार न मिलिले लोके गोटे बेलपत्र पत्र को भोलेनाथ को अर्पण कर दियंती। एपरि भूल रे मध्य करंतु नाही। गोटे बेलपत्र पत्र अर्पण भोलेनाथ को भूल रे मध्य चढ़ांतु नाही कारण ताहा अपूर्ण होइथाय। जदि आपण पूजा रे अपूर्ण जिनिस भोलेनाथ को चढ़ाइबे तो आपण को पूजार फल अपूर्ण रहिबो। मने रखंतु आपणकर पूजा को पूर्ण मानाजिबो नाही एवं आपण को पूजार पूर्ण फल मध्य प्राप्त होइबो नाही। एथिपाई सबुबेले गोटे टेम्परे थिबा तीनोटी पत्र को आपण भोलेनाथ को अर्पण करंतु। बेलपत्र चढ़ेबा समय रे ताहार ठीक दिग मने रखंतु।
शिवलिंग चढ़ेबा समय पत्र को शिवलिंग लगे रखत एवं डेम्प को ऊपर को रखतु बेलपत्र चढ़ेबा पूर्व ताकू जल में धोईकी शुद्ध करतु अधिक श्रावण मास सोमवार एवं शिवरात्रि दिन भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण कराए किंतु यही कथार विशेष ध्यान रखतु कि श्रावण मासर सोमवार एवं अन्य सोमवार एवं शिवरात्रि दिन बेलपत्र तोड़ीबा उचित नुहे एथिरे दोष लगी थाए एथिपाई पूजार गोटे दिन आगर ही बेलपत्र को तोड़ी रखत बेलपत्र केबे भी बासी होइनथाय एथिपाई आपण ताहाकु धोईकी भोलेनाथ को अर्पण करिपारिबे शिवलिंग उपरे बेलपत्र चढ़ेबा समय रे सबुबेले अनामिका अंगूठी एवं मध्यमा अंगूठीर व्यवहार करी आपण बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पण करंतु शिवलिंग उपरे बेलपत्र अर्पित करिबा सह आपण जल चढ़ांतु किंबा प्रथमे जल रे अभिषेक करंतु जेबे आपण बेलपत्र चढ़ाइबे टिके जल चढ़ेकी बेलपत्र को शिवलिंग उपरे चढ़ाइबे द्वितीय जिनिष हैला क्षीर भोलानाथंकर शिवलिंग उपरे क्षीर अर्पित करैबार परंपरा प्राचीन कालरु होई आसुछि किंतु क्षीर चढ़ेबा समय केबे भी आमे भोलानाथ को प्रसन्न करैबा बदलने क्रोधित करि दियंती भोलानाथ को सबुबेले कंचा क्षीर चढ़ाइबा उचित आमे समस्ते जानी आम समस्त घर को क्षीर आसवा मात्रे सीझाई दि जाए एवं से ही सीझा जाइवा क्षीर को भोलानाथ को अर्पित कराए एपरी भूल आपण करतु ना भोलानाथ को सबुबेले कंचा क्षीर अर्पण करतु जदि होइपारे गाईर क्षीर को भोलानाथकर शिवलिंग अर्पित करतु कारण गाईर क्षीर को अमृत माना जाए क्षीर चढ़ाइवा समय आउ एक भूल आम समस्ते करी ताहा हेला तंबा पात्र रे रखिकी चढ़ाइबा अधिकांश थर समस्त पूजा रे तंबा पात्र व्यवहार करिबा भल बोली माना जाए यह शास्त्र रे मध्य कुहा जायछि किंतु आमे ध्यान रखिबा उचित के तंबा पात्र रे केबे भी खीरो नेकी चढ़ाइबा उचित नुहे मान्यता अनुसारे तंबा पात्र रे खीरो विष होई जाय एवं तंबा पात्र रे चढ़ा जायतिबा खीरो भगवान को प्रसन्न करिबा बदलने क्रोधित करिदिए एथिपाई जेबे भी आपण भोलेनाथ को उपरे क्षीर चढ़ाइबे तो आपण स्टील किंबा पीतल किंबा चांदीर पात्र व्यवहार करंतु जदि क्षीर न मिले तो आपण जल रे टिके क्षीर मिसाई माने जल जेमिति धळा देखा जीव ताकु अर्पण करिपारिबे किंतु मने रखंतु क्षीर कंचा होइथिबा उचित आमर एपटे सबु पूजा रे हळदी कुमकुम एवं चंदन चाउल रे व्यवहार करा जाए पूजार जो थाली थाए से चाउल कुमकुम एवं हलदी अवश्य ही रखा जाए किंतु आपण को यह अवश्य ध्यान रखा उचित कि भोलेनाथ का शिवलिंग उपरे केबे भी चाउल कुमकुम एवं हलदी चढ़ातु ना भोलेनाथ का जो शिवलिंग थाए ताहा भोलेनाथ बैरागी रूप अटे एवं हलदी कुमकुम सौभाग्यर प्रतीक होता है एथिपाई भोलेनाथंकर शिवलिंग रे केबे भी हळदी कुमकुम चढ़ाइबा उचित नुहे एवं चाउल तो चढ़ाई पारिबे किंतु चाउल चढ़ाइबा समय रे एही कथार विशेष ध्यान रखिबा उचित कि चाउल जेपरी गड़ी होइनथिबो चाउल सबुबेले गोटा दाना थिबो एहाकु पवित्र माना जाए एहीपरि चाउल आपण भोलेनाथंकर शिवलिंग उपरे चढ़ाई पारिबे शिवलिंग रे आपण लाल रंगर फूल मध्य चढ़ांतु नाही कौन सी भी एपरी जिनिष जहाँ सौभाग्यर प्रतीक होता है ताकू भूल भोलेनाथ शिवलिंग चढ़ातु ना भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय एवं एकादशी दिन खास करी शंखरे भगवान विष्णु को अभिषेक करा जाए किंतु ध्यान रखत केबे भी भोलेनाथ पूजा रे शंखर व्यवहार करंतु ना शंखरे केबे भी भोलेनाथ को जल अर्पण करंतु ना शास्त्र अनुसार भोलेनाथ पूजा रे शंख वर्जित अटे यह सहित भोलेनाथ को केबे भी नड़िया पानी चढ़ाइबा उचित नुहे भोलेनाथ को आपण नड़िया अर्पण करिपारिबे सुखिला नड़िया किंबा पैड आपण अर्पण करिपारिबे किंतु नड़ियार पानी आपण केबे भी अर्पण करंतु नाही शंख परि तुलसी मध्य भगवान विष्णु को अति प्रिय तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णुकर पूजा अधूरा होइथाय किंतु शास्त्र अनुसार भगवान शिवंकर पूजा करूथिबा समय रे आपण भूरे मध्य तुलसीर पत्र रखंतु नाही भगवान शिवंकु तुलसीर पत्र केबे भी चढ़ांतु नाही
जदि आपण एपरी करुछंती तो आपण को पूजार फल केबे भी प्राप्ति हुए नाही। तो फ्रेंड्स भोलेनाथकर कृपा प्राप्त करिबा पई एही कथार आपण विशेष ध्यान रखंतु एवं भोलेनाथकर पूजा रे भूले मध्ये एही सब जिनिसर अर्पण करंतु नाही।